गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो देखो अपने पढ़ा था आवेशों की प्रकार, आवेशों के प्रकार पर आवेश दो प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा था धनावेश और ऋणावेश, इसके अलावा कोई आवेश नहीं होता। तो आवेशों के प्रकार यानी आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश पहले तो है आवेश किसी द्रव्य, आवेश किसी द्रव्य एक परिभाषा है, आवेश किसी द्रव्य का वह लक्षण या गुण होता है। आवेश किसी वस्तु यानी किसी वस्तु या द्रव्य, किसी द्रव्य का वह गुण होता है जो क्या विद्युत क्षेत्र और चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न करता है या जिसके कारण विद्युत क्षेत्र या चुंबक के क्षेत्र का अनुभव होता है। कैसे देखो आवेश किसी द्रव्य, द्रव्य माने कण होता है पदार्थ या वस्तु, आवेश किसी द्रव्य का वह गुण होता है या वह लक्षण होता है जो क्या विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, अर्थात जिसके कारण क्या लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव होता है। कैसे यदि आवेश स्थिर है यानी क्या स्थिर है गतिशील अवस्था में ही है तो आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र अनुभव किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब स्थिर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का अनुभव किया जा सकता है और यही आवेश मान लो किसी चालक तार में विद्युत धारा अपन जानते हैं किसी चालक तार में जब क्या प्रवाहित होता है अर्थात गतिशील होता है तो क्या है उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब गतिशील आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी प्राप्त होता है। इसका मतलब किसी द्रव्य का आवेश एक गुण है यानी आवेश किसी द्रव्य का वह गुण होता है जो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या जिसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव होता है। ये परिभाषा एक तो, और एक अपन ने लिखा था कि वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण उत्पन्न आवेश क्या कहलाता है विद्युत आवेश कहलाता है। दूसरी बड़ी बात है क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि किसी वस्तु पर आवेश का मान शून्य हो सकता है, किसी वस्तु पर आवेश का मान शून्य हो सकता है। इसमें आप देखना यदि कोई वस्तु या किसी द्रव्यमान किसी कण का अस्तित्व ही नहीं होगा यानी बिना कण के, बिना कण का मतलब बिना द्रव्यमान के, द्रव्यमान के आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है यानी बिना द्रव्यमान का बिना द्रव्यमान के आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। अर्थात कोई वस्तु यानी कोई कण प्रकृति में अगर मौजूद ही नहीं है तो वहाँ आवेश की उपस्थिति कितनी मानी जाती है Q बराबर जीरो। कहने का मतलब यदि m बराबर जीरो हो तो मस्त है Q बराबर भी जीरो ही होगा, यदि द्रव्यमान शून्य है तो क्या है आवेश का अस्तित्व होगा ही नहीं। दूसरी बात यदि m इज नॉट इक्वल टू जीरो यानी द्रव्यमान हो तो क्या जरूरी है कि उस पर आवेश का मान भी शून्य हो, तो जरूरी नहीं है। द्रव्यमान शून्य नहीं हो तो आवेश का मान क्या है शून्य भी हो सकता है और आवेश का मान शून्य नहीं भी हो सकता है। कैसे यदि कोई चालक वस्तु है तो चालक वस्तु का द्रव्यमान शून्य नहीं होता, m इज नॉट इक्वल टू जीरो शून्य नहीं होता तो चालकों पर क्या मौजूद होता है आवेश उपस्थित होता है। इसका मतलब क्यूब की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। और मान लो कोई अचालक वस्तु या कुचालक वस्तु है तो उसका द्रव्यमान शून्य नहीं होता, इसका मतलब m इज नॉट इक्वल टू जीरो तो उस पर आवेश का मान भी क्या होता है जीरो। यानी दोनों बातें अगर द्रव्यमान है तो आवेश का यानी द्रव्यमान का अस्तित्व है तो आवेश का अस्तित्व है, यदि द्रव्यमान नहीं है तो आवेश नहीं है। कहने का मतलब द्रव्यमान का मान जीरो तो आवेश का मान भी कितना होगा जीरो होगा। फिर है यदि कोई चालक वस्तु का द्रव्यमान है तो आवेश का मान शून्य नहीं होगा और यदि कोई कुचालक वस्तु है तो उसका द्रव्यमान तो होगा लेकिन आवेश का कोई अस्तित्व नहीं होगा। अगला इसी में है परमाणु, आपने पीछे की क्लासों में पढ़ा होगा परमाणु मुख्यतः प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, तो जितनी मात्रा में धनावेश होता है परमाणु में उतनी ही मात्रा में क्या माना जाता है ऋण आवेश, अर्थात परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है उदासीन होता है। कहने वाले परमाणु पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता
और जैसे ही परमाणु से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है या कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे कल अपन ने किया था कि सोडियम परमाणु है, सोडियम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाता तो क्या बनता आपके पास, सोडियम प्लस आयन। पहले क्या था, उदासीन, क्या बन गया, सोडियम प्लस आयन। फिर इसी प्रकार से जैसे क्लोरीन, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो बनता है क्लोरीन ऋण आयन, अर्थात ऋणावेशित हो जाता है। ये बेसिक चीजें हैं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, फिर भी छोटी छोटी अपने पास बातें। फिर यह है विद्युत आवेश यानी धनावेश और ऋणावेश का नाम, विद्युत आवेश को धनावेश और ऋणावेश का नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले दिया था। यानी विद्युत आवेश के दो प्रकार हैं और दो प्रकारों में एक धनावेश और एक क्या होता है, ऋणावेश, और इसका नाम सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। बेसिक कंसेप्ट है। अब अपने पास बोर्ड में मैं चार पाँच पॉइंट अपने पास, घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट है, प्रश्न नहीं पूछा जाता। चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, प्रश्न नहीं पूछा जाता। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है, केवल एक नंबर का प्रश्न आता है। और जबकि टॉपिक बड़ा सारा करके इसमें अपन करेंगे इसमें साथ में। फिर है एक अनावेशित वस्तु तथा आवेशित वस्तु के मध्य आकर्षण बल लग सकता है, प्रूव करेंगे अपन। यानी एक अनावेशित है और एक आवेशित वस्तु है तो उनके मध्य क्या है, आकर्षण बल लग सकता है। इसका मतलब क्या है, अपन काफ से कोई पूछे कि आवेशी कण यानी आवेशी कण का सही परीक्षण क्या है, आवेश का सही परीक्षण आप कैसे करेंगे, तो आवेश का सही परीक्षण यानी विद्युतीय कण बोलते हैं, आवेशी कण या विद्युतीय कण का सही परीक्षण होता है प्रतिकर्षण बल यानी प्रतिकर्षण। पूछे कि विद्युतीय कण का सही परीक्षण है, एक नंबर का प्रश्न पूछा हुआ है, तो प्रतिकर्षण बल, क्योंकि आकर्षण बल तो आवेशित और अनावेशित दोनों प्रकार की वस्तुओं में भी लग सकता है। फिर है आवेश का संसूचन एवं मान, ये आपके अपन चर्चा करेंगे इनके बारे में आगे। स्वर्ण पत्री विद्युत दर्शी एक प्रैक्टिकल है, इलेक्ट्रोमीटर, वोल्ट मीटर और प्रक्षेप धारा मापी जो आपने इसके बारे में सुना हो, धारा मापी द्वारा किया जा सकता है। अब सबसे पहले देखो घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन क्या है, जब दो वस्तुओं को परस्पर घर्षित किया जाता है तो उनमें एक नया लाक्षणिक गुण उत्पन्न होता है और वो लाक्षणिक गुण किसके कारण, उन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण, अर्थात एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है, जिसके कारण जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है वो वस्तु धनावेशित और जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन पहुंचता है वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। क्या किया आपने, दो वस्तुओं को घर्षित किया, घर्षण के कारण क्या है, दोनों वस्तुएं विद्युतमय हो जाती हैं इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण, और फिर वो जब उन आवेशित वस्तुओं के यानी विद्युत में जब हो जाती है तो उन वस्तुओं को जब हल्की वस्तुओं के पास यानी हल्के कागज घास का हल्का तिनका उसके पास ले जाते हैं तो वो क्या है, उनको अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, उनकी ओर अट्रैक्ट करने का जो गुण होता है वही क्या कहलाता है, घर्षण द्वारा आवेशन। यानी कहने का मतलब है जब दो वस्तुओं को परस्पर घर्षित किया जाता है तो क्या है, घर्षण के कारण उन पर क्या है, नया लाक्षणिक गुण उत्पन्न होता है जिसके कारण वे हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करते हैं, हल्की वस्तुओं अर्थात कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ये कहा जाता है घर्षण द्वारा आवेशन। यानी जब दो वस्तुओं जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है, आपके प्रैक्टिकली दिया है कि कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर पहुंचे जाते हैं, जिससे इसका मतलब कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं और कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, कमी, और इलेक्ट्रॉनों की कमी को हमेशा पॉजिटिव दर्शाया जाता है। इसका मतलब कांच की छड़ कौन से आवेश से आवेशित हो जाएगी, धन आवेश से आवेशित हो जाएगी, और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाते हैं, रेशम के कपड़े पर, तो रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, तो इसका मतलब रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है और इलेक्ट्रॉन की अधिकता का मतलब
क्या हो गया, ऋण आवेश होता है। तो इसका मतलब काच की छड़ धनावेशित और रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। तो इसका मतलब क्या, घर्षण द्वारा क्या हुआ, आवेशन हुआ, घर्षण द्वारा आवेशन। अब इसमें आपके क्या है, एक आता है पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव, यानी काच की छड़ पॉजिटिव और रेशम का कपड़ा क्या हुआ, नेगेटिव। तो दोनों के मध्य विपरीत आवेश जब है तो विपरीत आवेशों के मध्य हमेशा अट्रैक्शन फोर्स काम करती है, यानी आकर्षण बल लगता है। आगे जब न्यूमेरिकल्स भी करेंगे तो कई बार पूछ लिया जाता है कि बल की प्रकृति बताइए, तो एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, इसको मल्टीप्लाई करो तो यह आएगा आपके पास माइनस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, यानी निशान कैसा है, माइनस, यानी परिणामी बल जो आपके पास माइनस आता है, और माइनस प्रकृति होती है हमेशा आकर्षण बल की, तो यानी बल की प्रकृति क्या होगी, ऋणात्मक। फिर है एक प्लस और दूसरा भी प्लस आवेश, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू क्या आएगा, प्लस, यानी समान आवेशों को, समान आवेशों के मध्य सदैव प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और प्रतिकर्षण बल की प्रकृति हमेशा क्या होती है, धनात्मक। अगर आपके पास साइन जो चिन्ह है वो पॉजिटिव आता है तो बल की प्रकृति क्या हो जाएगी, धनात्मक। फिर आपके पास जैसे दोनों नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ भी बल की प्रकृति क्या है, धनात्मक, तो कैसा बल होगा, प्रतिकर्षण बल। कहने का मतलब विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण बल, समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल, और यहाँ समान माइनस माइनस, समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल। और एक बात जो आपको याद रखनी है कि प्रतिकर्षण बल की प्रकृति सदैव धनात्मक और आकर्षण बल की प्रकृति सदैव क्या होती है, ऋणात्मक। और विपरीत आवेशों के मध्य सदैव आकर्षण बल और समान आवेशों के मध्य सदैव क्या है, प्रतिकर्षण बल लगता है। बेसिक चीजें हैं। अब थोड़ा सा अपन चर्चा कर लेते हैं, बाकी जरूरत नहीं है। जैसे अपन ने चर्चा किया कि कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब कांच की छड़ धनावेशित और रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। इसी प्रकार जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ पर पहुंचे जाते हैं। एबोनाइट इसका मतलब बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो बिल्ली की खाल पर पॉजिटिव चार्ज, और एबोनाइट की जो छड़ है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है तो वो क्या हो जाती है, ऋणात्मक, यानी उस पर ऋण आवेश उतनी ही मात्रा में आ जाता है। तो यानी फिर जैसे कांच की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर किसी धागे द्वारा बांधकर किसी दृढ़ आधार पर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें अपन, ये कंसेप्ट आपके कहीं काम में नहीं है, एक बार आपको समझना है। बाकी इसमें ये कांच की छड़ है, जैसे ही रेशम के कपड़े पर रगड़ेंगे इस पर धनावेश आ जाएगा, और किसी धागे द्वारा बांधकर किसी दृढ़ आधार पर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है। फिर अन्य कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़कर इस लटकाई गई कांच की छड़ के पास कुचालक हत्थे से पकड़ के ले जाते हैं, लटकाई गई छड़ के नजदीक लाते हैं। तो ये तो छड़ अपन ने पकड़ रखी है, तो दोनों ये प्लस है और ये प्लस है, तो ये समान आवेश है, तो समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। तो ये कांच की छड़ क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकी कांच की छड़ इससे दूर भागती है। तो इसका मतलब क्या, इससे स्पष्ट होता है कि समान आवेशों के मध्य सदैव प्रतिकर्षण बल लगता है। इसी प्रकार कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़कर धागे से बांधकर दृढ़ आधार पर स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं। फिर एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर, तो एबोनाइट की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो उस पर चार्ज होता है नेगेटिव, और किसी कुचालक हत्थे से पकड़कर इस लटकाई गई छड़ के नजदीक लाते हैं, तो ये कांच की छड़ इस एबोनाइट की छड़ द्वारा क्या की जाती है, आकर्षित, यानी इसकी ओर विस्थापित होती है, इसकी ओर विस्थापित होती है। इसका मतलब विपरीत आवेशों के मध्य कैसा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। तो प्रश्न आता है कि सिद्ध करो कि समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल
तथा असमान आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। तो पहले दोनों जगह प्लस कांच की छड़, दूसरी बार एक कांच की छड़ और दूसरी एबोनाइट की छड़, ये अपन करेंगे, बाकी पूछा नहीं जाता। अब आओ चालन द्वारा आवेशन, यानी दो वस्तुओं को, यानी एक अनावेशित, आपने लिखा है एक अनावेशित वस्तु, इसका उत्तर भी आ जाएगा। ये माना कोई अनावेशित वस्तु एक किसी कुचालक स्टैंड पर रखी है, फिर है दूसरी आवेशित वस्तु जो बी, दूसरी आवेशित वस्तु अपन मान लेते हैं बी, इस अनावेशित वस्तु के संपर्क में रखते हैं, संपर्क में रखते हैं। तो ये जो वस्तु है बी, इसके स्वयं के आवेश के मध्य क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, और प्रतिकर्षण बल के कारण क्या, स्वयं के आवेश के कारण इसका आवेश क्या वस्तु ए पर स्थानांतरित हो जाता है, और वो भी क्या बराबर मात्रा में, यानी जब एक अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में रखा जाता है, तो आवेशित वस्तु के स्वयं के आवेश के मध्य प्रतिकर्षण बल के कारण इसका आवेश अनावेशित वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है, और क्या दोनों वस्तुओं पर इस आवेश की मात्रा, फिर अलग अलग कर लेते हैं इनको, आवेश की मात्रा बराबर बराबर उत्पन्न हो जाती है, बराबर आवेश की मात्रा बराबर उत्पन्न होती है। तो ये प्लस और ये प्लस, तो यानी ये क्या होगा, जब दो वस्तुओं को परस्पर संपर्क में रखा जाता है, दो वस्तुओं को परस्पर संपर्क में रखने पर आवेश वस्तुओं का आवेशित होना, जब दो वस्तुओं को परस्पर संपर्क में रखा जाता है तो वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं, अर्थात आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है, जिसे क्या कहते हैं, चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है, नहीं पूछा जाता है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेरण द्वारा आवेशन, चित्र बनाएंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, और इस प्रश्न का उत्तर अपन यहाँ काम में लेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन, और चार पांच चित्र हैं, आपको उत्तर एक छोटी सी लाइन में देना है। सबसे पहले आपके पास ये कोई चालक वस्तु किसी कुचालक स्टैंड पर रखी है, ठीक है, फिर इसको क्या है, इसके नजदीक किसी धनावेशित, यानी ऋणावेशित मान लो, चाहे धनावेशित, ऋणावेशित छड़ को ले जाने पर इसके नजदीक ले जाते हैं, नजदीक ले जाते हैं, तो इस चालक में क्या होते हैं, जो चालक होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रतिकर्षित, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले सकते हो, जैसे धनावेशित छड़ ले ली, मानो धनावेशित कर, अब इसके पूरे भाग पर क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है उस पर इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश, तो ये यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन तो क्या इस प्लस द्वारा क्या क्या जाएगा, आकर्षित, तो इस प्लस से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन यहाँ मौजूद इलेक्ट्रॉन इस धनात्मक आवेश द्वारा क्या होगा, आकर्षित, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा वहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी, और उस इलेक्ट्रॉन की कमी को अपन सदैव किससे दर्शाते हैं, प्लस से, और इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता, अधिकता हो जाएगी, ये जो मान आपके पास, तो यहाँ इसके द्वारा यह इलेक्ट्रॉन, तो ये माइनस द्वारा हो जाएगी, यानी किसी चालक को कुचालक स्टैंड पे रखते हैं और उसके नज़दीक किसी धनावेशित या ऋणावेशित छड़ को ले जाते हैं, अब धनावेशित छड़ को ले जाने पर इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन धनावेशित छड़ द्वारा क्या किए जाते हैं, आकर्षित, आकर्षित, जिससे इस चालक के धनावेश छड़ के विपरीत और धनावेश तथा चालक छड़ के उतनी मात्रा में क्या ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, फिर क्या करते हैं, इस चालक छड़ को यहीं रखते हुए, जहाँ है चालक छड़ को यहीं रखते हुए, क्या ये अपने पास वही है चालक छड़, इसके नजदीक प्लस है और यहाँ माइनस, प्लस प्लस, और इसको क्या कर देते हैं, भू संपर्कित कर दिया जाता है, पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, पृथ्वी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गमन करते हैं, याद रखना पृथ्वी का विभव निम्न होता है, पृथ्वी का विभव लगभग शून्य माना जाता है, क्योंकि इसकी धारिता अनंत होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से
उच्च विभव की ओर गमन करेंगे। इसका मतलब पहुंचेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, और धीरे धीरे इस चालक छड़ को क्या कर जाए, दूर ले जाते हैं, धनावेशी छड़ को। जैसे जैसे धनावेशी छड़ को क्या दूर ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं, तो क्या होता है, यहाँ माइनस चार्ज है। पहले तो इस धनावेशी छड़ द्वारा ये आकर्षित रहता था, लेकिन जैसे जैसे ये तो समाप्त हो गया, ये बचा अपने पास, और इसको दूर ले जाएंगे तो किसी भी चालक पर आवेश का वितरण होता है, वो भी बराबर मात्रा में। तो ये आवेश बराबर मात्रा में इस चालक पर वितरित हो जाएगा। अब देखो ये चालक छड़ है, और ये आपके पास अनावेशित वस्तु थी, यानी पहले कोई आवेश नहीं है। जैसे इस चालक धनावेशी छड़ को ले जाते तब आवेश उत्पन्न होता है। अब यहाँ आपके पास प्लस और यहाँ क्या गया, माइनस। तो यानी एक अनावेशित वस्तु ये और ये आवेशित धनावेशित वस्तु, उनके मध्य यानी आवेशित वस्तु के मध्य कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगता है, ये इससे स्पष्ट होता है। यानी एक अनावेशित वस्तु और एक आवेशित वस्तु के मध्य भी क्या लग सकता है, आकर्षण बल लग सकता है, या दो विपरीत प्रकार के आवेशों से आवेशित वस्तुओं के मध्य भी आकर्षण बल लग सकता है। इसका मतलब एक तो अनावेशित है और एक दोनों आवेशित हैं तो भी क्या आकर्षण बल लग रहा है। इसका मतलब उससे अपन ये टेस्ट नहीं कर सकते कि आवेशीकरण हुआ है या नहीं हुआ। इसका मतलब कब टेस्ट होगा, जब दोनों पे समान प्रकृति का आवेश उपस्थित हो, और उनके समान आवेश की जो आवेश है उनके मध्य क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। इसका मतलब विद्युतीकरण का सही परीक्षण क्या हुआ, प्रतिकर्षण, न कि आकर्षण। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आकर्षण बल अनावेशित आवेशित वस्तु के मध्य भी लग सकता है। अब आ जाओ यहाँ प्रेरण द्वारा आवेशन। आपने देखो क्या किया, ये चालक छड़ इसके निकट लेके, यहाँ चार्ज आ गया अपने पास माइनस, और यहाँ क्या आ गया प्लस, फिर भूसंपर्कित किया, ये चार्ज समाप्त हो गया, और इस चालक छड़ को धीरे धीरे ले गए, तो आवेश क्या पूरे चालक पर समान रूप से क्या हुआ, वितरित। सबसे बड़ी बात क्या देखनी है आपको, इस चालक छड़ को आपने इससे टच नहीं किया, और फिर भी इस अनावेशित चालक पर कैसा आवेश उत्पन्न हो गया, ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। अगर यहाँ आप ऋणात्मक छड़ ले जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ये प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है, कि किसी चालक को जो अनावेशित था, किसी चालक को बिना छुए कैसी छड़ थी, धनात्मक, और आवेश कैसा प्राप्त होता है, ऋणात्मक। आपने छुया नहीं तो किसी चालक को बिना स्पर्श किए विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। कोई चित्र नहीं बनाना, सिर्फ समझने के लिए। एक नंबर का बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है, और वो बोर्ड में प्रश्न ये हो गया आपके सामने, ये उत्तर है, किसी चालक को बिना छुए विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। ये चीज आपको याद रखनी है, ये समझाने के लिए बताया कि एक अनावेशित वस्तु और आवेशित वस्तु के मध्य भी आकर्षण बल लगता है, जबकि विपरीत प्रकृति से आवेशित वस्तु के मध्य भी आकर्षण बल लगता है। इसका मतलब आपसे पूछ ले कि विद्युतीकरण का सही परीक्षण क्या होता है, तो उसका मतलब यह क्या है, प्रतिकर्षण बल ही, यानी प्रतिकर्षण ही विद्युतीकरण का सही परीक्षण है, ठीक है। यानी प्रतिकर्षण बल केवल आवेशित वस्तुओं, वो भी धनावेशित या ऋणावेशित वस्तुओं के मध्य लगेगा। अगला आ जाता है, आवेश का संसूचन एवं मान किससे ज्ञात किया जाता है, स्वर्ण पत्री विद्युत दर्शी, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये क्या है, स्वर्ण पत्री विद्युत दर्शी, दूसरा इलेक्ट्रोमीटर, तीसरा वोल्ट मीटर, तथा चौथा आपके प्रक्षेप धारा मापी। ये सर जी आपके बेसिक कंसेप्ट हैं। पार्ट का जो इंटरेस्ट है, पार्ट जो अच्छा है, और पार्ट जहाँ से आपको इंटरेस्ट आएगा, वो टॉपिक कल अपने स्टार्ट हो जाएंगे। ये एक प्रकार से इस पार्ट का सारांश है। बेसिकली एक टॉपिक अपन और करेंगे, स्वर्ण पत्री विद्युत दर्शी, इसमें भी थोड़ा सा अपने को अटपटा लगेगा, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है कि स्वर्ण पत्री विद्युत दर्शी का चित्र बनाइए, एक नंबर का प्रश्न आता है, बड़ा नहीं आएगा कभी भी। तो आप यहाँ तक स्वर्ण पत्री विद्युत दर्शी तक आप ऐसा मान लेना, थोड़ा बोरियत भी महसूस करेंगे कि भाई कैसे टॉपिक है, क्या नहीं है, लेकिन जैसे ही आवेश के गुण स्टार्ट होंगे, आपको इस चैप्टर में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा,
और बहुत अच्छा लगेगा। आप देखना एक एक लाइन को ध्यान से देखना, वहीं से बोर्ड के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। एक प्रश्न आपका बनता है इसमें से, प्रश्न ये बनता है कि प्रेरण द्वारा आवेशन एक नंबर का क्या होता है ये, और एक प्रश्न बनता है विद्युत आवेश, और विद्युत आवेश में भी प्रश्न बनता है कि जब कोई परमाणु या कोई द्रव्य या कोई पदार्थ या कोई वस्तु धनावेशित होती है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी धनावेशित होने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकलना, तो मतलब क्या हो गया वो वस्तु क्या होगी, उसके द्रव्यमान में क्या होगी कमी, और कोई भी वस्तु ऋणावेशित होती है इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, ग्रहण करती है इसका मतलब उसके द्रव्यमान में क्या होती है वृद्धि। केवल यही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ तक अपने पास। एक इसका बाई चांस कोई मूडी आदमी होता है तो इसका चित्र बनवा लेता है, बाकी कभी पूछा नहीं गया। तो कल से अपन इसका ये टॉपिक करके, सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा लंबा भी खींचेंगे। जल्दी बोल रहे हैं, भाषा में आपको कोई वर्ड्स कोई समझ में नहीं आए, कोई चीज़ ऐसी लग रही है, बेसिक कंसेप्ट्स हैं ये एक बार आपको बता दिया, बाकी बिल्कुल आराम से अपन करेंगे, बाकी करेंगे कल।